Lesson 9, Bond of Love by Kenneth Anderson. And guys, ये वाला जो lesson है ये थोड़ा लंबा है, so इस वाले lesson को मैं का जो video है उसको दो part में बनाऊँगा. ये पहला part है and जैसा कि आप जानते हो इसमें आपका full हिंदी explanation मिलेगा. So बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident 2 years ago. We were passing through the sugarcane field near Mysore. People were driving away the wild pigs from the field by shooting at them. Some were shot and some escaped. कहने का मतलब है, कहानी का जो शुरुआत होता है, नरेटर बताते हैं उन्होंने अपने वाइफ के लिए एक पेट लाया था जो कि क्या था, स्लॉथ बियर था. एक एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट क्या था कि 2 साल पहले क्या हुआ था, when this story was written before, उससे पहले जब कहानी लिखा गया तो उससे 2 साल पहले नरेटर और उसके फ्रेंड कहाँ गए थे, एक सुगर केन आपका गन्ने का खेत होता है मैसूर में था, तो वहाँ से जा रहे थे और फार्मर जो थे पिग्स को भगाने के लिए उस पर शूट कर रहे थे, तो कुछ भाग गए कुछ को गोली लग गया. और इसी बीच में क्या हुआ, एक स्लॉथ बियर जो था गन्ने के खेत फील्ड से अपियर होता है और ये जो था बहुत ज़ोर से सांस ले रहा था ड्यू टू रनिंग एंड एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा दौड़ने और बहुत ज़्यादा धूप के कारण बहुत ज़ोर से सांस ले रहा था. और क्या हुआ, नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वॉन्टनली बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट वन ऑफ माई कंपेनियन डिड नॉट फील द सेम वे अबाउट इट एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट. क्या हुआ, नरेटर बताते हैं दैट उनको कोई फ़ायदा नहीं था कि वो ऐसे ही बियर को बिना किसी रीज़न के मार दे, बट उनके साथ में जो उनके साथी थे कंपेनियन थे उनके अंदर ऐसा कोई फीलिंग नहीं था और उन्होंने क्या किया, वहीं पे ऑन द स्पॉट क्या किया, बियर को मार दिया. एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वेयर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑफ इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी. देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक. When the sudden shot had killed her, the little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. Prostrate का मतलब होता है lying on the ground facing downward. क्या हुआ, the animal जो bear था वो तो मर चुकी थी क्योंकि वो mother थी, उसके पीठ पे बच्चा था. और क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, उसके पीठ पे जो वो जो ब्लैक फर था वो उसके पीठ से हट के अलग हुआ और बाद में उनको पता हुआ एक छोटा बच्चा था जो अपनी माँ के पीठ पर लटका हुआ था, पकड़ के था. और जैसे उसकी माँ को गोली लगा और वो नीचे गिरी, बच्चा अलग हो गया और बच्चा खड़ा हो जाता है एंड देन इधर उधर दौड़ने लगता है और वह अपनी मदर के आसपास दौड़ने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है. आई रेन अप टू इट to attempt to capture it, scooted into the sugarcane field, following it with my companions. I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claw. Kya hua? Scooted matlab ran away. Scruff of the neck matlab piche jo bhalu ka jo chamda hota hai, फर होता है, उसको पकड़ा. तो ठीक है, क्या हुआ, नरेटर ने बेबी जो बियर था उसको पकड़ने की कोशिश किया लेकिन क्या हुआ, बच्चा जो था भाग गया सुगर केन फील्ड में, लेकिन उन ग्रुप ने उन बच्चे को पकड़ने की कोशिश की एंड देन फाइनली उन्होंने पकड़ा किसके गर्दन के पीछे से और वो जो बच्चा था उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और उसने अपने जो उसके तेज शार्प क्लॉज थे, पंजे थे, उससे मारने की कोशिश की. वी पुट It in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. और क्या हुआ, the group ने क्या किया, उस छोटे से बच्चे को गनी बैग में डाल दिया एंड देन वो लोग कहाँ आ गए, बेंगलोर आ गए और फिर नरेटर ने उसे एक गिफ्ट के तौर पर अपनी वाइफ को दे दिया एंड सी वॉज हैप्पी टू हैव इट. और उन्होंने क्या किया, उनके गले में एक रिबन बांध दिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, After discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. और उन्होंने जब उनको पता लगा that it was a male cub, she named it Bruno. Bruno soon took the drinking milk from a bottle. Bruno ने क्या किया, जो बहुत जल्द ही दूध पीना शुरू कर दिया बोतल से, उसके बाद उसने खाना पीना सब कुछ चालू कर दिया
and started eating and drinking everything else and everything in the right world. मतलब वो सब कुछ खाने लगा था, porridge, ingredient, vegetable, fruit, nut, meat, especially pork खाना लगा, curry, rice, और उसके बाद spices, chili, सब कुछ खाने लगा था, bread, egg, जो भी होता है सब कुछ खाने लगा था. So in the full sense बोला जाए कि अब हाँ, उसने दूध छोड़कर उसने जितने भी खाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब कुछ बहुत इन्जॉयमेंट के साथ वो इन्जॉय करने लगा था. और ड्रिंक के मामले में कहा जाए तो मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहल, लिकर, एनीथिंग, जो भी था, इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, इट वेंट डाउन विथ रैलिश. रैलिश का मतलब होता है ग्रेट इन्जॉयमेंट. वो सब कुछ बहुत ही आराम से खाने पीने लगा था. The beer became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. He was left quite free in the younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our bed. क्या हुआ? वो फैमिली का हिस्सा बन चुका था. इट बिकेम फ्रेंडली विद द नरेटर्स अल्सेटियन डॉग्स, जो उनके जो पालतू कुत्ते थे उनके साथ अल्सेटियन जो डॉग थे उनसे फ्रेंडली हो गया था. फिर जो किराए के लोग किराएदार थे उनके बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो गया था. और उसके पास बचपन में बहुत कुछ कर छोटा जब था तो बहुत कुछ करने को था, तो दिन भर खेलता रहता था घर में इधर उधर. और कहाँ करता था और सोता था कहाँ पे? नरेटर के बेड पे. वन डे एन एक्सीडेंट बिफोर हिम, आई पुट हिम पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी. ब्रूनो इंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफ्टन डिड एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन. कहने का मतलब है नरेटर ने अपने लाइब्रेरी में चूहों को मारने के लिए जहर रखा था, लेकिन एक्सीडेंटली ब्रूनो ने वो जहर पी लिया जो कि चूहे के मारने के लिए रखा गया था. और क्या हुआ, जहर के कारण वो पैरालाइज्ड हो गया. वो कुछ मूव नहीं कर सकता था, वो चल नहीं सकता था, लेकिन उसने स्टंप का यूज़ करते हुए नरेटर के वाइफ के पास गया. एंड देन उसकी वाइफ ने, नरेटर की जो वाइफ है उन्होंने आवाज़ दिया. एंड देन नरेटर जब पहुँचे तो उनको समझ में आ गया कि क्या हुआ. वो जल्दी से कार की तरफ बढ़े और कहाँ चले गए, वेट्स रेसिडेंस की तरफ गए. वेटिनरी डॉक्टर होते हैं उनके घर की तरफ गए. और ये किस चीज़ का केस था? ये पॉइजनिंग का केस था. टेम बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, क्या किया जाए. और वो किधर भागे? वेटनरी डॉक्टर की तरफ भागे, क्योंकि ब्रूनो ने जहर पी लिया था. आउट केम हिज मेडिकल बुक एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू द इंडेक्स बिगिन. व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? बेरियम कार्बोनेट. आह यस, बेरियम सॉल्ट, आ बेरियम कार्बोनेट. सिम्टम्स, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ डैश डैश डैश. जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माय सिरिंज एंड द मेडिसिन. नरेटर कहाँ भागे? नरेटर भागे डॉक्टर की तरफ. डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को सिम्टम बताया गया. एंड देन उन्हें बताया गया कि क्या हुआ है. तो डॉक्टर ने पूछा कौन सा जहर, कौन सा केमिकल. तो उन्होंने बताया बेरियम कार्बोनेट. और उन्होंने फिर क्या किया, बेरियम कार्बोनेट का बोला ठीक है सर, 2 मिनट रुकिए. एंड देन उन्होंने क्या लाया, एक सिरिंज लाया, मेडिसिन लाया. और डैश बैक टू द कार. ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स. वो अभी भी क्या कर रहा था, अभी भी तड़प रहा था, छटपटा रहा था. फ्लॉन्डरिंग का मतलब होता है स्ट्रगलिंग टू मूव. वो हिल नहीं पा रहा था. अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली. और वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था. सम वॉमिटिंग, उल्टियाँ हो रही थी. हैवी ब्रीदिंग, बहुत जोर से सांस ले रहा था. विथ हीविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ. उसका जो हीविंग का मतलब होता है टेकिंग डीप ब्रेथ्स. और फ्लैंक का मतलब होता है द साइड ऑफ बॉडी बिटवीन द पार्ट ऑफ रिब के नीचे और हिप के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्लैंक. वो जो क्या कर रहा था, डीप ब्रेथ हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था. और क्या हो रहा था, उसका माउथ जो था गैपिंग माउथ, मुंह खुला हुआ था, मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रहा था बहुत जोर से, लेकिन ले नहीं पा रहा था. फिर क्या हुआ, होल्ड हिम एवरीबॉडी. डॉक्टर ने बोला कि उसे जोर से पकड़ने के लिए, इन गोज द हाइपोडर्मिक. अब ये इंजेक्शन डाल रहे थे. और ब्रूनो स्क्विल्स मतलब होता है ब्रूनो चिल्लाया जैसे इंजेक्शन उसे दिया गया. 10 cc ऑफ एंटी
डोट इंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। 10 cc का जो था एंटीडोट उनके ब्रूनो के बॉडी में डाला गया इंजेक्शन के थ्रू, जरा सा वेस्ट किए कुछ चेंजेस नहीं हुआ। 10 मिनट लेटर कंडीशन चेंज नहीं हुआ, फिर से 10 मिनट बाद फिर से डाला गया और फिर क्या हुआ उसके बाद उसका जो ब्रीदिंग था वो स्टेरटोरस जो था, स्टेरटोरस जो है नॉइजी को बोला जाता है, वो जो उसका सांसें तेज चल रही थी, जोर जार चल रही थी आवाज़ के साथ, वो थोड़े थोड़े धीमा हुआ। और अब ब्रूनो क्या होता उसका हाथ और लेग जो था हिला पा रहा था, बट अभी भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। और आफ्टर 30 मिनट्स लेटर क्या हुआ, 30 मिनट बाद ब्रूनो गेट्स अप एंड हैड अ ग्रेट फीड, उठ जाता है और बहुत खाता है। लुक एट अस डिसडेनफुली मतलब होता है डिसअप्रूविंगली, मतलब वो मान ही नहीं रहा था और वो ऐसा बोल रहा था दैट एक बेरियम कार्बोनेट जो है इतने बड़े भालू का क्या बिगाड़ सकता है। एंड देन ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, वो देखा और वो ब्रूनो खाता रहा और वो कहना चाह रहा था कि उसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ हो भी नहीं सकता है। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टेड बेकर एंड वाज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरॉड ऑफ टर्मिट्स। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट बट इट हैड नो इल इफेक्ट व्हाटएवर। क्या हुआ अगला इंसिडेंट में ब्रूनो ने इंजन ऑयल जो था जो नरेटर ने निकाल रखा था किससे, स्टड बेकर से, कार से, वो पूरा पी लिया। और उन्होंने किसके लिए रखा रहा था, टर्मिट को ख़त्म करने के लिए रखा था, लेकिन चलो ब्रूनो पर उसका कुछ असर हुआ नहीं। द मंथ रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज वैन ही केम। 2 मंथ हो चुके थे, ब्रूनो का साइज़ जो था बहुत बड़ा हो गया था और जब वो आया था उससे बहुत बड़ा हो गया था। ही हैड इक्वल द असेटियंस इन हाइट एंड हैड इवन आउट ग्रोन दैम। और उनके जो पेट डॉग थे असेटियन डॉग्स जो थे उनसे भी वो बड़ा हो गया था, उनसे ज़्यादा बड़ा ग्रो हो गया था वो। बट वाज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीबियस, जस्ट एज प्लेफुल। अभी भी लेकिन वो वैसा ही स्वीट प्यारा था, नटखट था और खेलता रहता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, वो और हम लोगों से बहुत प्यार करता था। सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता था, नरेटर की वाइफ को। एंड सी लव्ड हिम टू, और वो भी उनसे ब्रूनो से उतना ही प्यार करती थी। एंड सी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू अ बाबा, हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। और उन्होंने ब्रूनो से नाम उनका क्या कर दिया था, बाबा कर दिया था, जो कि इंडिया में छोटे लड़कों का रखा जाता है, बेबी बाबा, राइट। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और अब वो बाबा जो था, ब्रूनो जो था, वो छोटा मोटा ट्रिक भी कर सकता था। एट द कमांड बाबा रेसल, बोलने पे बाबा अब रेसल कर सकता था। और बाबा बॉक्स ही विगरसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल। क्या करता था वो, अब टक्कर ले सकता था, अगर उसको ऑर्डर दिया जाता था तो वो क्या करता था, टैकल भी करता था। एंड गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, और अगर उसको छड़ी दी जाती थी तो उसे बाबा को बोला, उसे बोला जाता बाबा होल्ड गन, तो वह ऐसे रखता था जैसे उसके हाथ में गन है। एंड आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी, और जब उससे पूछा जाता था कि बच्चा कहाँ है, तो ही इमीडिएटली प्रोड्यूस एंड क्रेडल्ड अफेक्शनेटली अ स्टंप ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड। क्या होता था जब भी पूछा जाता था कि बाबा बेबी कहाँ है, तो ही वुड टेक आउट अ पीस ऑफ वुड एंड क्रेडल इट अफेक्शनेटली लाइक अ बेबी, और वो एक लकड़ी का टुकड़ा निकालते थे स्ट्रॉ बेड से और उसको प्यार से बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। ही हैड हिडन द पीस ऑफ वुड अंडर द स्ट्रॉ बेड, कहाँ रखता था वो छुपा के वुड के टुकड़े को अपने स्ट्रॉ बेड में। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जा गया, ही वॉज चेंड, और उसे चेन में बांध दिया गया, और क्योंकि नरेटर और सबको लगता था कि वो अब ज़्यादा थ्रेट बन जाएगा, किसके लिए, जो किराएदार के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए अब वो थ्रेट बन जाएगा, इसलिए ब्रूनो को अब चेन में बांधकर वो लोग रखने लगे थे। सो गाइज, ये था आपका पार्ट 1, आपका जो 12 पैराग्राफ तक है ये क्लियर हो गया है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग, एंड इसका जो पार्ट 2 है वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। सो तब तक के लिए इस वाले को रिवाइज कर लें, प्रीवियस चैप्टर जितने भी हो उसको रिवाइज कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।